हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बड़ी मैम जया। आज हम मेंटल मैथ का सेकंड डे है। इसमें हम बच्चों को मेंटल मैथ बताते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से लेकर 10 साल के, इन लोगों को शुरू से ही प्रैक्टिस करानी चाहिए ताकि इनका जो माइंड है बहुत ही शार्प हो और उन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़े। इसीलिए मेंटल मैथ बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। इससे हमारा ब्रेन शार्प होता है और हम बच्चे जो हैं स्मार्ट और एक्टिव होते हैं, क्योंकि हर प्रश्न और जो क्वेश्चंस हैं, सम्स हैं, हम एक्सरसाइज में तो लगाते हैं, बट जब अलग से हम करते हैं तो और हमें कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है। तो आप टाइमर लगवा के उनसे प्रैक्टिस करवाइएगा कि वो कितनी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, इस मैथ्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेंटल मैथ। फिल इन द करेक्ट आंसर। 20 - 8 जो आएगा वो आप लिखेंगे। इस सारे जो सम्स दिए हुए उनके आंसर आपको लास्ट में वीडियो के मिल जाएंगे, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी चेक करने के लिए भी। 1 more than 269 इज, यानी 269 से एक ज़्यादा होने पर क्या आता है। इंसर्ट बिगर या स्मॉलर या फिर जो है इक्वल टू, साइन को आपको इसमें भरना है। 94 is bigger or smaller than 49, जो भी होगा वो आप इसमें भरिएगा साइन। 7 tens and 8 ones, इसे आप यहाँ 7 को 10s की जगह में, 8 को 1s की जगह में लिखना है। 1 less than 201 is, यानी 201 से वो एक कम क्या नंबर होता है वो आप भरेंगे। वॉट कम्स जस्ट आफ्टर, 6 नंबर में दिया हुआ, यानी कि 259 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है काउंटिंग में। फिल इन द मिसिंग नंबर, इसमें आपको मिसिंग नंबर 3 है जो काउंटिंग है, काउंटिंग के आधार पे आपको भरना है। 197, 198 उसके आगे के 3 काउंटिंग। और 14 में हम कितना माइनस करें कि इक्वल टू 10 आ जाए, ओके। और 9th नंबर है 35 + 5, दोनों को प्लस करके लिखना है हमें। और 10th में है कि हम 12th में कितना प्लस करें कि 20 हो जाए। तो आप इस सारे सम्स को अच्छे से ध्यान से करिएगा और टाइमर लगा के और अपने को चेक करिए। ऐसे ही जो है वर्कशीट आती रहेगी और आप अपने स्पीड को चेक करते हुए और बढ़ाते रहिएगा कि कम समय में अधिक से अधिक सम आप कर पाएँ। 11th में व्हाट कम्स बिटवीन 289 and 291 के बीच में कौन सा नंबर आता है दोनों के बीच में वो भरना है। 12th में है 1 less than 211 इज, यानी 211 से अगर 1 हम माइनस करते हैं, कम करते हैं, तो कौन सा नंबर हमें आएगा। फिल इन द मिसिंग नंबर बाय स्किप काउंटिंग इन 2 स्किप, यानी 2 के स्किप से, यानी 36 है तो उसमें हमने 2 प्लस किया 38, ऐसे ही 2 प्लस करके जो जगह है आप उसमें फिल करेंगे कि क्या आएगा। 42 में 2 प्लस करके देख लीजिएगा या 38 में, ओके, आंसर आ जाएगा। फिर 14th में हाउ मैनी 10s and 1s are there in 183, तो 183 में कितने 10s है और कितने 1s है वो आपको फिल करना है, यानी 10s की जगह में जो है उसको बताना है और 1s की जगह में। और 15 नंबर क्वेश्चन है 200 + 44 + 0, तो इसको आप ऐड करके आप इसे भरिएगा और जो है आंसर शीट आपको लास्ट में मिल रहा है, उसे ध्यान से नंबर वाइज हमने आंसर लिख दिया है। आंसर शीट में 1 का है 12, 2 का 273, 3 का bigger आ रहा है, 4 का 78, 5 का 200, 6 का 260। पहले आप नोट डाउन करिएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर शीट पे आके आप अपना खुद चेक कर सकती हैं। अगर आपके घर में किसी को हेल्प, अगर बच्चों को कर रही हैं, आपको डाउट है तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर बच्चे खुद कर रहे हैं तो भी वो आंसर देख के अपना जो है नोटबुक चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको हेल्प मिली होगी। इस तरह के मैथ्स आपको मैं लाती रहूँगी, अभी 0 लेवल पे है, फिर धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।